हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज डॉक्टर रितु दर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में, जिसका नाम है डेस्मोडियम गैंगेटिकम। डेस्मोडियम गैंगेटिकम जो है वो बहुत ही डिफरेंट मेडिसिन होने वाली है। अभी तक जितनी भी हम इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स पढ़ते आए हैं, उन सभी में इसके फीचर्स बहुत अलग है, इसके क्लिनिकल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाकी सभी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स जो अभी तक हमने पढ़ी है उनमें से। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे श्रब के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में, ये श्रब कहाँ कहाँ मिलती है, पाई जाती है, इसके कॉमन नेम, इनके फर्स्ट प्रूवर, इसकी नेचुरल ऑर्डर दैट मीन्स इसकी फैमिली, और सभी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के साथ पोटेंसी कौन सी सिलेक्ट करके हमें देनी चाहिए, या फिर अगर हम खुद ले रहे हैं तो कौन सी पोटेंसी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, फेवरेबल पोटेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डेस्मोडियम गैंगेटिकम पर, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज डू गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर पसंद आती है मेरी वीडियोस तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। बेल आइकन प्रेस करने से आपको जितने भी आगे नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोज के टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेस्मोडियम गैंगेटिकम के बारे में। डेस्मोडियम की अगर हम बात करें, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्लिनिकल्स के बेसिस पर, होम्योपैथी के लिए प्रिस्क्राइब करने के बेसिस पर। इसका कॉमन नेम जो है वो है शलपनी, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे कि हम हमेशा इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में जानते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके अलग अलग नाम होते हैं, सिमिलरली डेस्मोडियम का सरीवन, शलपर्नी, दिरंगमूल, गीतानराम, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट रीजन्स के ये डिफरेंट कॉमन नेम है। शलपनी और दिरंगमूल नाम से काफी लोग इसको जानते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कॉमन नेम्स हैं। इनके जो फर्स्ट प्रूवर है वो डॉक्टर एसी भादुरी। इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी फैमिली है, दैट मीन्स इसका नेचुरल ऑर्डर लेग्यूमिनोसी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, डेस्मोडियम गैंगेटिकम जो है ये एक श्रब है, वुडन श्रब है, दैट मीन्स इसमें बहुत जो उसकी जो मैं कहूं अगर तना है वो पतले पतले श्रब में जैसे होते हैं, स्टेम्स बहुत ही वुडी हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो है फ्लावर और इसके लीव्स। इसके जो लीव्स होते हैं उनका नीचे से जो बेस होता है लीव्स का वो लाइट ग्रीनिश कलर का होता है, और जो ऊपर का सर्फेस डार्क ग्रीनिश होता है, नीचे का सर्फेस लाइट ग्रीनिश होता है। और बहुत ही पिक्यूलियर एक चीज आप देखेंगे, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने इसकी पिक्चर लगा रखी है, आप जरूर देखिएगा कि ये जो श्रब है इसमें इस श्रब में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि हम जनरली देखते हैं 4-5 पेटल का एक फ्लावर होता है, इसके व्हाइट एंड पर्पलिश काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं, लेकिन पॉड्स में अरेंज्ड होते हैं। ना व्हाट इज पॉड्स? पॉड्स क्या होते हैं कि एक लंबा सा ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर जिसमें 6-7 नॉड्स है, छोटे छोटे गांठे टाइप के नॉड्स 6-7, उसके साथ साथ हैरी हैरी स्ट्रक्चर है। आप उस पिक्चर में जरूर देखिएगा स्टार्ट करके वापस, ये हैरी हैरी स्ट्रक्चर होते हैं और साथ साथ में व्हाइटिश एंड पर्पलिश कलर के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से श्रब में से लंबे लंबे इस तरह से पूरे फ्लावर्स या पॉड्स मैं कहूँ अरेंज होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। सो दिस इज वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक टू लाइक रिकोगनाइज दिस श्रब वेरी इजिली। इसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग की बात करें तो इस ये जो महीने चल रहे हैं अगस्त से लेके नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्रूटिंग होती है, फ्रूट्स भी आते हैं, इसमें फ्लावरिंग होती है, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगेन इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में तो मिलता ही है बहुत ज्यादा। ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको, इंडिया और सारे सब कॉन्टिनेंट्स में आपको बहुत इजीली ये श्रब मिल जाती है। अगेन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है आयुर्वेदा की, बट इट हैज बीन रिटन कि ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा यूज होती आई है ये आयुर्वेदा में, और इसको दशमूल में वन ऑफ द हर्ब माना जाता है। दशमूल इज बेसिकली जो एक कलेक्शन होता है 10 हर्ब्स का, 10 हर्ब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनका एक कलेक्शन जिसे दशमूल कहा जाता है, और उन दशमूल में एक जो है ये दिरंगमूल, दैट मीन्स डेस्मोडियम गैंगेटिकम है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आउट ऑफ ऑल दैट दशमूल हर्ब्स। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत सारे थेरेप्यूटिक्स है, लेकिन जब हमने इसे होम्योपैथिकली हेल्दी ह्यूमन बींग्स में दिया और इसको डायनामाइज करके, बेसिकली जब इसका मदर टंग जब प्रिपेयर किया गया और उसको हेल्दी ह्यूमन बींग्स में दिया गया, तो
जो भी सिम्टम्स आए इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द वे इट वॉज गिवन इन आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनली बट इट वॉज स्लाइटली डिफरेंट एंड अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इसके क्लिनिकल्स की जहां हम बात करते हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसके क्लिनिकल्स में सिर्फ तीन चीजें अब याद रखें एंड ये तीन चीजें सब कुछ कवर कर लेती हैं डेस्मोडियम में. फर्स्ट इज द फीवर हेडेक एंड थर्ड वन इज मेनिनजाइटिस. नाउ हेडेक एंड फीवर के लिए हम काफी पहले इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स पढ़ चुके हैं. अगर आप शुरू से मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा. लेकिन मेनिनजाइटिस के लिए अभी तक हमने कोई भी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग नहीं पढ़ी. ऑल्दो होम्योपैथिक ड्रग्स हैं काफी सारे बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो आप मेनिनजाइटिस के केसेस में दे सकते हैं. स्पेसिफिकली सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस जो है सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस के केसेस में आप इसे दे सकते हैं. बैक्टीरियल है या कोई और कारण है व्हाट एवर बी द कॉजेशन अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो यू गिव डेस्मोडियम इट विल वर्क वंडरफुली. सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस अगर हेड सिम्टम्स से शुरू करें तो सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस में डेस्मोडियम इज वंडरफुल. द नेक्स्ट इज हेडेक किस तरह का होता है. हेडेक इसमें ऐसा होता है एज इफ किसी ने बहुत टाइट एक टेप से या बैंड से पूरे सर को चारों तरफ से बांध दिया है. इट्स काइंड ऑफ कंस्ट्रिक्शन जकड़न होती है बहुत बुरी. ये सेम चीज आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने मिलती है बट इट्स वेरी सिवियर. बहुत सिवियर आपको हेडेक होता है फ्रॉम ऑल द साइड एज इफ किसी ने टाइट बैंडेज से या रोप से या टेप से बांध दिया है सर को. हेडेक के साथ नॉजिया एंड वॉमिटिंग विच इज ऑलवेज सीन इन मेनिनजाइटिस. मैं आपको मेनिनजाइटिस के बारे में बता दूं. सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस इज बेसिकली जो हमारा ब्रेन है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको कवर करने वाली लेयर्स होती हैं मेनिनजेस. प्रोटेक्शन लेयर्स होती हैं मेनिनजेस. उन मेनिनजेस का जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है उसे हम मेनिनजाइटिस कहते हैं. इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जो आपको अगेन डेस्मोडियम में सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे. जैसे कि सबसे पहले हेडेक जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही सीवियर हेडेक होता है एसोसिएटेड विद नोसिया एंड वॉमिटिंग. हाई फीवर सडनली बहुत तेज बुखार चढ़ जाएगा. गर्दन जो है बहुत स्टिफ हो जाती है. कंसंट्रेशन कुछ नहीं हो पाता. बहुत डिफिकल्टी हो रही है कंसंट्रेशन में. आपका ध्यान कहीं नहीं लग पा रहा है. बहुत कंफ्यूज हो. बहुत ज्यादा डिजी हो. नींद ऐसी आएगी जैसे कि कोमा में चले जाते हैं. बहुत ज्यादा स्लीपीनेस बिल्कुल कोमेटोस स्लीप. इतना ज्यादा स्लीपी हो जाते हैं कि मतलब होश ही नहीं रहता कि उन्हें जगना भी है नींद से. इस तरह की स्लीपीनेस होती है. एंड फाइनली इफ इट इज नॉट लाइक टाइमली अगर रिकग्नाइज करके इसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली सीजर्स की प्रॉब्लम हो जाती है. फिट्स आने लग जाते हैं. दौरे पड़ने लगते हैं इंडिविजुअल को. तो मेनिनजाइटिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस के लिए डेस्मोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन की बात करें कि पेन जो है वो किस तरह का है. हमने बात की इसको फीवर में देंगे इसको हेडेक में देंगे और इसको मेनिनजाइटिस में देंगे. आपको पेन का कैरेक्टर कैसा मिलेगा. पेन आपको न्यूरालजिक मिलेगा. मतलब ऑल ओवर द बॉडी आपको सब जगह पर देयर इज न्यूरालजिया काइंड ऑफ पेन. जैसे कि कोई तार कुछ खींच रही हो अगर पैर है अगर कमर है हाथ है कहीं पर भी द पेशेंट विल से एक खिंचाव होता है. देयर इज अ काइंड ऑफ स्टिचिंग पेन. देयर इज अ काइंड ऑफ अ थ्रेड इज बीन लाइक टॉर्न. ऐसा लगता है कि कोई धागा टूट जाएगा. एक स्टिचिंग पेन खिंचाव जैसा दर्द हो रहा है. दिस इज व्हाट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरालजिक पेन. एंड न्यूरालजिक पेन इज ऑलवेज एज द वर्ड सेज इट इज एसोसिएटेड विद नर्व पेन. सो नर्व्स आर बेसिकली अफेक्टेड. न्यूरालजिक पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. स्पाइनल पेन की वजह से पेशेंट बैठ तक नहीं पाता. उससे ही कैन नॉट सिट ऑन अकाउंट ऑफ पेन ऑन द बैक. स्पाइन में इतना पेन होता है. स्पाइनल नर्व्स इतनी पेन करती हैं पेशेंट बैठ भी नहीं पाता है. लाई डाउन करना थोड़ा सा फेवरेबल पोजिशन लगता है पेशेंट को. नेक्स्ट इन ऑर्डर फीवर की अगर हम बात करें दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेनिनजाइटिस के केसेस में फीवर चढ़ता है. और फीवर में आपको इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फीवर रेमिटेंट काइंड ऑफ फीवर आपको मिल जाएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी दोनों किस तरह के बुखार होते हैं. ये दोनों फीवर आपको मिल जाएंगे. तीनों स्टेज आपको मिलती है चिल स्टेज हीट स्टेज एंड स्वेट स्टेज. चिल स्टेज सुबह 7 बजे के करीब पीरियोडिसिटी. नाउ ये टाइम मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए होम्योपैथी के लिए प्रिस्क्राइब करने के लिए. अगर आपको टाइम मोडालिटी मिलती है आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है और स्पेसिफिक हो जाता है और ज्यादा सिमिलिमम की तरफ चला जाता है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फाइंड आउट कर सके कोई टाइम मोडालिटी. तो 7 बजे के करीब सुबह पेशेंट को बुखार चढ़ने लगता है ठंड लगकर.
ठंड लगकर बुखार चढ़ता है, उसके बाद गर्म होने लगता है बदन और हाथ पैर जो है बहुत ज्यादा आग की तरह गर्म हो जाते हैं एंड फ्लशेज ऑफ हीट होते हैं टुवर्ड्स द फेस, मुंह की तरफ जो है बहुत ज्यादा फ्लशेज ऑफ हीट होते हैं, हीट चेहरे की तरफ उठती है। देन फिर परस्पिरेशन स्टेज आता है, जैसे ही बुखार उतरता है उनको बहुत सारा परस्पिरेशन होता है और बुखार उतर जाता है। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? इंटरमिटेंट फीवर में अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ा और उसी दिन हर दिन आपका टेम्परेचर नॉर्मल वापस आ जाता है। रेमिटेंट फीवर में आपका टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मल से, कम जरूर होता है लेकिन नॉर्मल वापस नहीं आता, हर दिन वापस नॉर्मल नहीं आता तो रेमिटेंट फीवर होता है। इट्स लाइक बेसिक डिफरेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं। इंटरमिटेंट और रेमिटेंट दोनों तरह के फीवर्स में बहुत अच्छा काम करती है। पोटेंसी ऑफ चॉइस की बात करें तो सबसे पहले इसका मदर टिंचर, बट इसका 30C पोटेंसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर मेनिंजाइटिस के केसेस हैं या फीवर का केस है, कुछ नहीं तो इस तरह का हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप हो रही है, आपको लग रहा है कि इट हैज बीन स्टार्टेड और ये इनिशियल सिम्टम्स हैं, 30 पोटेंसी विल वर्क वंडरफुली। अदरवाइज बहुत अक्यूट है, आप मदर टिंचर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों इजीली बहुत अवेलेबल होते हैं। मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स एवरी आवर, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हर एक घंटे में 10-10 बूंदे देनी है, और अगर बहुत ही माइनूट है मॉडरेट है तो दिन में 4 बार 10-10 बूंदे आधे कप पानी में देनी है। 30C पोटेंसी अगेन अक्यूट स्टेज में आप दे रहे हैं, आप अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं वहीं के वहीं, तो आप हर 2 घंटे में 30 पोटेंसी जो है 5-6 पिल्स पेशेंट को जरूर देते रहे, दैट इज क्वाइट इफेक्टिव फॉर द पेशेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शैलपर्णी, दैट मीन्स डेस्मोडियम गैंगेटिकम। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, सिम्टम्स बिल्कुल अलग हैं और कुछ न्यू है आपके लिए, तो आई होप आपको पसंद आई है। तो प्लीज देर मत कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।